غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अर्तुरुल के सिपाही उससे बहुत वफादार हैं। शहादत की आरज़ू ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी है। ये इतना आसान नहीं होगा वैसिलियस। इन पर आगे और पीछे दोनों तरफ से वार किए गए हैं। ये काम अकेला उराल नहीं कर सकता। यकीनन कोई गद्दार उसकी मदद कर रहा है। अर्तुरुल भाई, अगर कोई हमें यहां से निकाल सकता है तो वो है हेलेना। उस तक पहुंचना होगा हमें। जिस आदमी ने इनको मारा वो बयक वक्त ने सीने और पुश्त पर कैसे मार सकता है। वैसिलियस से काम निकलने के बाद उस मलून काफिर को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। तुर्कों से जंग जीतने के लिए बहुत सारे हथियार लाए जा रहे हैं। थियो को इन लोगों ने हिफाजती इकदाम बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। कहिए जो कहना है औरल साहब। अगर हमने इत्तेहाद नहीं किया तो अर्तुरुल के मजीद सिपाहियों को मार डालेगा। तुर्क कबाइल को उसने मुतहद कर लिया है। अगर उनका यह इत्तेहाद न टूटा तो उसका अगला हदफ यह किला होगा। अपनी बात करो औरल, क्या पेशकश है? सरदारान को खरीदने के लिए तुम मुझे सोना दोगे ताकि मैं उनका इत्तेहाद तोड़ सकूं। क्या यही नहीं चाहते तुम भी? मैं बस ये चाहता हूं कि तुर्क कबाइल जल्द अज जल्द इन इलाकों से दफा हो जाए। क्या तुम ऐसा करने की अहलियत रखते हो औरल? चावदार कबीला इस खित्ते का सबसे बड़ा कबीला है। अगर मैं सरदार बन गया तो अपने कबीले को और मुझ पर इनसार करने वाले दीगर कबाइल को लेकर यहां से चला जाऊंगा। तुम भी फतेहयाब हो जाओगे और मैं भी। तो फिर इस मसले का हल अर्तुरुल और आलियार को रास्ते से हटाना है। परेशान मत हो तुम, मैं उन्हें जाल में फंसाऊंगा और तुम सफाई हस्ती से मिटा देना उन्हें। ये बदबू कैसी है तुर्कुत भाई? जालिमों के नजस खून की होगी। ये रास्ता हमें कहां लेकर जाएगा तुर्कुत? किले से बाहर निकल जाएं बस, फिर रास्ता ढूंढ लेंगे।
दुनदार साहब। हाइमा खानम उनसे सुना कालीन कबीले में बुने जाएंगे। बिल्कुल सही सुना, आपकी हिफाजत के लिए। बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर। खवातीन का कितना ख्याल रखते हैं आप लोग। बिल्कुल रखते हैं, अपने सिपाहियों की तरबियत भी कर रहे हैं जालिमों से मुकाबले के लिए। क्या आप तरबियत कर जा रहे हैं? जी हाँ, सिपाहियों को तरबियत की बहुत जरूरत है। क्या मैं भी देखने आ सकती हूँ मशके? जरूर, तो फिर चलिए मेरे साथ, आप दूर से देख सकती हैं। ठीक है, देख लूंगी मैं। आइए चलते हैं। शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा गफूर और रहीम है। काई और चावदार कबीले के बहादुर सरदारों, अल्लाह हमारे जिरगे में होने वाले फैसलों को मुबारक करे। आमीन। आज इस जिरगे को बुलाने का मकसद तुर्क कबाइल को मुत्तहिद करना है, लेकिन इसके लिए पहले दोनों कबाइल का भाइयों की तरह आपस में मुत्तहिद होना लाजिम है, वरना इत्तेहाद कायम नहीं हो पाएगा। सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल ठीक कहा। काई और चावदार कबीले का इत्तेहाद मुख्तलिफ है। हमारा मकसद, हमारे ख्यालात, हमारी मंजिल मकसूद यक जान दो कालिब होगी। हम दोनों कबीलों का इत्तेहाद दूसरे तुर्क कबीले वालों के लिए हौसले और ताकत का बाइस होगा, और ये ताकत लहर लहर बढ़ती जाएगी, और ताकत की ये लहर दुश्मनों की हजीमत का बाइस बनेगी। बिल्कुल सही कहा। जब तक हम सब मुत्तहिद रहेंगे, जब तक हम अपनी सफों में गद्दारों और धोखा देने वालों को घुसने नहीं देंगे, तुर्कों के सर को कोई नहीं झुका सकता कभी। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा, सही कहा, दुरुस्त है, सही होना, ये बात सही है। हाँ सही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रास्ता दो। क्या सूरत हाल है दुआन से भाई? सिपाहियों को भी तरबियत की जरूरत है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिपाहियों, आओ मुझ पर हमला करो। देख क्या रहे हो, चलो। हमला करो। भाई रुक जाए, ज्यादा जोर ना दें। अगर अभी इन पर जोर ना दिया तो जंग में मारे जाएंगे, ये कोई खेल नहीं है। तरबियत ऐसे ही होगी इनकी। ये कोई तरबियत नहीं बल्कि अजियत है। हमारे सलार कुतलू जाने कभी ऐसा नहीं किया। बिल्कुल सही, सही, सही बात है। हाँ ये सही कह रहे हैं, इसीलिए एक ही वार में ढेर हो गए। हाँ? काई कबीले वालों को देखकर सीखो कुछ। बस बहुत हो चुका, बहुत गलत है ये। हमारे सिपा सलार कुतलू जाने कभी ऐसा नहीं किया। ये कैसी तरबियत है?
जो तरबियत नहीं जुल्म है। हमारी नजर में तरबियत नहीं तशद्दुद है। इस तरह तरबियत नहीं की जाती कभी। छोड़ो मुझे, देख लूंगा मैं इन लोगों को। दुआन सिपाही देख भाई, हरगिज ना भूलिएगा कि हमारा दुश्मन एक दिन भी हमारे खिलाफ साजिशें करने से बाज नहीं आ रहा। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जब वो हमें तबाह न कर सके तो हमारे दरमियान गद्दारों को छोड़ दिया ताकि वो बगावत कर सके। बिल्कुल सही कहा, सही बात है। हमारे कबीले तबाह करने के लिए उन्होंने हमारे ही लोगों को इस्तेमाल किया। अब तक जो कुछ भी उन्होंने किया, अगर उन्हें मौका मिला तो वो इससे भी ज्यादा तबाही मचाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही फैसला। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, कैसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे? जैसे एक जंजीर की कड़ियां आपस में मजबूती से जुड़ी रहती हैं, हमें भी आपस में बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे से जुड़े रहना होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह। क्या आप हमसे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल। माशाल्लाह। अल्लाह हमारे इत्तेहाद और हमारे भाईचारे को हमेशा कायम रखे। आमीन, आमीन। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। सरदार, सिपाहियों में तरबियत के दौरान झगड़ा हो गया। ये क्या कह रहा है? तरबियत के दौरान सिपाहियों के दौरान सिपाहियों में झगड़ा हो गया। अल्लाह ने करे, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं। बहुत गलत बात है, सिपाहियों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। कर तो रहा है, ऐसा लगता है कि दुश्मन की साजिश। बहुत शुक्र है, हेलेना ने जो बताया था वो अर्तुरुल भाई को फौरन जाकर बताना होगा। हमें जल्दी अपने घोड़ों तक पहुंचना होगा भाई। उस तरफ चलो। बिल्कुल सही बात है, हम नहीं मानते। जाओ यहाँ से। करो बकवास अपनी, तरबियत ऐसे ही होती है। तरबियत नहीं, जुल्म कर रहे हो तुम। जालिम कहा तुमने मुझे? जालिम नहीं तो और क्या कहा जाए। भाई संभाले, अभी बताता हूँ तुम्हें। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, अभी बताता हूँ इसको। क्या हो गया? हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसी बात करने की? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। दुंदार, जिरगे में तो भाईचारे की बात कर रहे थे, तरबियत गामे सिपाहियों के साथ झगड़ा कर रहे हैं।
ये है इत्तेहाद का नतीजा। दुरुस्त। अगर हमने इनकी बात मानी तो तबाह होकर रह जाएंगे, अपने सिपाहियों को काबू कर नहीं सकते, सरदार बनेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, सही बात है ये। जानदार साहब, क्या हालत हो गई है कबीले की? अल्लाह हमारी मदद करे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम तबाह हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें सिपाहियों की तरबियत की जिम्मेदारी दी थी, इनसे झगड़ने की नहीं। भाई, ना तो इन्हें तलवार पकड़ना आती है ना अपनी हद जानते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी हद बताना नहीं, तरबियत करना है। भाई, सारा इल्जाम मुझे दे रहे हैं आप, उन्हें कुछ क्यों नहीं कहते? क्योंकि तुम एक सरदार हो दुंदार, तुम्हारा काम तामीर है, तकरीब नहीं। इन्हें गुस्सा नहीं, अक्लमंदी सिखानी है। इन्हें मारना नहीं बल्कि अपने साथ जिंदा रखना है तुम्हें। दूर हो जाओ नजरों, और जब तक सरदार होने का मतलब न समझो मेरे सामने मत आना। जब तुम्हारे भाई दुश्मनों से जंग करके अपना परचम लहराने की कोशिश में है तो हिम्मत कैसे हुई फितना फैलाने की? शर्म आनी चाहिए। ये दोनों कबाइल के दरमियान होने वाला पहला झगड़ा था और ये आखिरी भी होगा। आज के बाद अगर दोबारा कभी ऐसा वाकया हुआ तो मुर्तकिब और तमाशाई दोनों हिसाब देंगे। खूबसूरत है, वैसे लियो। कैसी लग रही हूं मैं? सुबह से ये कनीजे तितलियों की तरह मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं और मुझे आप जैसे अजीम कमानदार और जमींदार के लायक दुल्हन बनाने की तैयारी में लगी हुई है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, बहुत। तुम जैसी हसीन दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। तुमसे दूर रहना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
जनाब। क्या बात है? एक मसला हो गया है। वक्त नहीं है अभी। जनाब बहुत आम बात है। कहो क्या बात है? जनाब हमारे कमानदारों को मारने वाले कातिल। क्या पकड़ लिया है उन्हें तुमने? जनाब वो किले से फरार हो गए। कैसे कैसे भाग गए वो कैसे? जनाब हमें बस वहां कुछ लिबास मिले हैं, इसके अलावा कोई सुराग नहीं मिला। मैं यकीनन किले में उनकी किसी ने मदद की है। तफ्तीश हो रही है, तलाश जा रही है। इज्तमाई तरबियत फायदेमंद थी इनके लिए। जंग के उसूल भूल गए हैं, लगता है आपस में ही मुकाबला शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, एक दूसरे के साथ रहने के आदी हो जाएंगे। वक्त लगेगा मगर आदत पड़ जाएगी। मश्क में मुकाबला इन्हें मुस्तैद रखेगा। लेकिन मुसलसल ऐसे वाकयात मुनासिब नहीं भाई। यह अंदाजा तो पहले से था हार्दिक भाई, मुकाबला ना हो तो बेहिसी पैदा हो जाती है। दुनदार भाई ने आज अपने आप को साबित कर दिया, लगता है कल वो भी आपकी तरह जंगजू और बहादुर निकलेंगे। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे शेर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया भाई। माशाल्लाह। अल्लाह मुबारक करे। खुशामदीद। खुशामदीद कुतलुचा। कैसे हो मेरे शेर? खुश आमदीद कुतलूजा। भाई कारा जैसार का किला तुर्कों की बहादुरी से कांप उठा है। हमारी मुहिम अल्लाह की मदद से कामयाब हुई भाई। माशाल्लाह मेरे शेर। बैठो, खड़े क्यों, आराम से बैठो। अल्लाह तुम लोगों को हमेशा कामयाब करे। सलामत रहो बहादुरों। आमीन अली यार भाई। बिस्मिल्लाह। बताओ तुर्कुत सूरत हाल, क्या खबर लेकर आए हो? आपके हुक्म के मुताबिक जालिमों के बेहतरीन कमानदार किले की फसील पर टांग दिए हमने, और जो भी हमारे मकसद के बीच में आया तल्फ कर दिया गया। माशाल्लाह मेरे बहादुरों। लेकिन भाई एक और खबर है, उराल किले में मौजूद है। इस बात की तो कवि उम्मीद थी भाई, जब दो जहरीले लोग इत्तेहाद कर लें तो शैतानियत पैदा होती है। एक बात और भी है भाई, वेसेलियस ने तुर्कों को इस खत्ते से निकालने के लिए निकिया से खतरनाक हथियार मंगवाए हैं। इस कारवान को लाने वाला आदमी कल किले पहुंचेगा भाई। मुखिल तो नहीं हुई मैं दुनदार साहब? कहिए गुनीली खातून। ये मशरूब कालीन का ले जा रही थी, सोचा आपको भी पिला दूं मैं।
नहीं, बहुत शुक्रिया। लगता है आप गुस्से में हैं। पी लीजिए, राहत मिलेगी। ठीक है, तो लाइए फिर, थोड़ा पी लेता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। खुश नसीबी है मेरी, आज तरबियत करते हुए देखा आपको। माशाल्लाह, आप हर मुहिम सर कर सकते हैं इस बहादुरी के साथ। काश के अर्तुल भाई भी ये बात समझ सके। कारा जैसा आर्य के किले तक हमें हथियारों को पहुंचने नहीं दे सकते अर्तुरुल भाई। कल सुबह वादी में दोनों कबाइल के सिपाही अपना फर्ज निभाएंगे आलियार साहब, लेकिन एक काम जरूरी है, हमारे इस उठने वाले कदम की खबर उराल को और उसके बाद वसीलियस को जरूर पहुंचनी चाहिए। लेकिन उन तक ये खबर कैसे पहुंचेगी? हम खुद पहुंचाएंगे तुर्कुत। आप कबीले में मौजूद गद्दार के जरिए यह खबर उराल तक पहुंचाएंगे भाई, लेकिन इसमें एक मसला है। वैसीलियस को जब यह खबर मिलेगी तो वो तदबीर जरूर करेगा। इसीलिए हम आलियार साहब के सिपाहियों को इस हमले के बारे में सब बताएंगे। जब तक यह खबर वैसीलियस के कानों तक पहुंचेगी, हम अपना काम कर चुके होंगे। बिल्कुल ठीक है भाई, यूं हम शिकार होने से पहले शिकार कर लेंगे। जब हमले के लिए जाएंगे तो उराल तक खबरें पहुंचाने वाले उस गद्दार का भी पता चल जाएगा। अब्दुल रहमान, फरमाइए भाई। किले के रास्ते पर नजर रखो, उराल को खबर पहुंचाने वाले का पता लगना चाहिए। जैसा आपका हुक्म भाई। या अल्लाह, अल्लाह मुबारक करे आपको। सूरज डूबने से पहले कबीले पहुंचना है, इजाजत दीजिए। इजाजत है। अल्लाह आप सबको अपने मकसद में कामयाब फरमाए। आमीन आमीन। आओ मेरे सिपाहियों। कितने अफसोस की बात है, यहां हम दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने में कोशा हैं और मेरे बेटे बिल्कुल इसके बरक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहें वालिदा, अर्तुरुल साहब ने दुंदार भाई की भलाई के लिए ही कहा है ये सब। जो हुआ सही नहीं हुआ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सबके सामने नहीं डांटना चाहिए था। दुंदार अभी उगता हुआ नौखेज दरख्त है, जवानी की अकड़ है उसमें, उसने अच्छा नहीं किया। बड़े भाई हैं उसके वालिदा, कभी उस पे गुस्सा होंगे तो कभी शफकत करेंगे। आप इत्मीनान रखिए, उनकी एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम हमेशा इसी तरह कायम रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप क्यों परेशान होती हैं हायमा खानम? हम सब जानते हैं कि आपके बेटे एक दूसरे के कितने करीब हैं। भूल जाइए इस बात को। अल्लाह मेरे बच्चों पे अपना करम रखे। चलो चलो। वो मैं मशरूब लेकर आई थी आपके लिए हायमा खानम। सेहत नसीब हो।
शुक्रिया मेरी बच्ची, ख्याल रखा तुमने। खुश नसीबी है मेरी। मुझे ख्वाहिश नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है हलीमा खातून। शुक्रिया। मुनासिब समझे तो दस्तबोसी करके खिदमत करना चाहती हूँ आपकी। मुझे बहुत खुशी होगी बेटी, आप जैसी मेहनतकश खवातीन की हमेशा जरूरत रहती है हमें। खवातीन बाखबर हो जाएं सब, गुनियेली इस कबीले में आज से मेरी मददगार होगी। जी हायमा खानम, समझ गए। हायमा खानम जी, बिल्कुल हायमा खानम बिल्कुल। चलो आ जाओ, काफी काम पड़ा है, शुरू करते हैं। आओ बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया, आप जा सकती हैं। कुछ भी नहीं बदला। क्या नहीं बदला? ये कमरा कभी मेरा हुआ करता था। फिर तो आपकी बहुत सी यादें वाबस्ता होंगी इससे। बुरी यादें। मेरे बाबा ने तुर्क कबाइल को मवेशी चराने के लिए यहां जमीनें दी थी। यही वजह है कि मेरे बाबा को बादशाह ने सजाए मौत दी। जब उन्हें सजाए मौत दी गई तो कमांडर तुम्हारे बाबा थे। ये मत समझना कि मैं उन पर कोई इल्जाम लगा रही हूं। तुम्हारे बाबा ने अपना फर्ज निभाया। इस किले में जब तुम पहली बार आई थी, याद है मुझे, छोटी सी प्यारी सी मासूम सी, काश के मेरी भी तुम्हारी तरह एक खूबसूरत बेटी होती है लेना। सुनकर बहुत दुख हुआ चौलपान खातून, बहुत अफसोस हुआ मुझे। सल्तनत में होने वाली बहुत सी नाइंसाफियों ने हमारे अंदर जहर खोल दिया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी शादी में शिरकत जरूर करूंगी। खुशी होगी मुझे। चलती हूं अब। बेटा मैं जानती हूँ आज जो कुछ हुआ वो तुम्हारे जहन पे सवार है, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारा भाई पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार है। वो चाहता है कि सिपाहियों में भाईचारा हो और उनकी तरबियत अच्छी तरह की जाए। यही तो बात है वालिदा, तरबियत के दौरान कभी किसी का बाजू टूटता है तो कभी किसी का दिल, ऐसा ही होता है वालिदा। तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन आज जो कुछ हुआ गलत हुआ। एक सरदार का काम अपने सिपाहियों को हुक्म देना है। हाँ मुझसे गलती हुई तो अकेले में बात कर लेते भाई, लेकिन उन्होंने सबके सामने मुझे रुस्वा कर दिया। ठेस पहुंची है मुझे।
अब कोई भी मेरी बात को संजीदा नहीं लेगा। अंदर आ सकता हूं? आओ बेटा आओ। अगर इजाजत दें तो अपने भाई से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। हां बेटा क्यों नहीं। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, भाई भाई का कल्ब होता है, हमेशा एक दूसरे का साथ देना है तुम लोगों को। तुम दोनों के साथ खड़ा होने वाला और कोई भी नहीं। आइए वालिदा, खुश आमदीद। या अल्लाह, मैं अब तक नहीं समझी हूं दुनदार को आखिर हो क्या गया, इसने कभी ऐसा नहीं किया। मैं जानती हूं कि क्या हुआ है वालिदा। बताओ मेरी बच्ची क्या हुआ है, मैं बहुत परेशान हूं। दुनदार भाई एक लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं, यही वजह है उनके गुस्से की। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ओ मेरा बच्चा दुनदार, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया, वो लड़की कौन है? चावदार कबीले की गुनियली खातून। शुक्र है मेरे अल्लाह, यानी मेरा बेटा जवान हो चुका है, मुनासिब जोड़ा लगता है। माशाल्लाह, अल्लाह इन बच्चों के नसीब अच्छे करे। लेकिन वालिदा, गुनियली खातून उराल के साथ ही अजार साहब की बेटी हैं। हम सुलेमान शाह की औलाद हैं। अगर हमने अपनी मीरास को नुकसान पहुंचाया तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं जानता हूं भाई, अजनबी कर दिया आपने, सिपाहियों के सामने शर्मिंदा हो गया। दुनदार, अगर ताकत के नशे में और सरदारी के जोम में सिपाहियों के साथ बुरा सलूक करोगे तो गलती पर सरजनिश मेरी जिम्मेदारी है। उनमें से हर सिपाही किसी मां का बेटा है, उनकी मां ने उनको शहीद होने के लिए परवान चढ़ाया है। अगर हम ही उन पर जुल्म करेंगे तो क्या रह जाएगा? मैंने उन पर जुल्म नहीं किया भाई, जो मैंने आपसे सीखा है वही सिखा रहा था। क्या आज तक मुझे किसी सिपाही को मारते हुए देखा है तुमने? अपने हवासों में रहो दुनदार, सरदारी आसान नहीं है। क्या कोई ऐसा मसला है जो तुम मुझे बता नहीं पा रहे? उकता गया हूं मैं कबीले में रहकर, मैं भी जंग करना चाहता हूं, यही है मेरा मसला। और कोई बात नहीं, तो ठीक है फिर, कल हमारे साथ हमले पर जाने की तैयारी कर लो। अगर यह गुस्सा जंग लड़ने से ही कम होता है तो फिर अपनों से नहीं दुश्मनों से जंग करो।
हाजिर हो सकता हूं मैं? खुश आमदीद फरसंद, आइए तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूं कि आप हर वक्त पढ़ने में मसरूफ रहते हैं। पैगंबर अकरम ने फरमाया है कि इल्म मुसलमानों की दौलत है, जहां मिले फौरन समेट लो। हुजूर को मदीना में इस्लामी रियासत कायम करने के वक्त बहुत सी मुश्किलात झेलनी पड़ी। वो एक फातेह सालार, दयानतदार ताजिर, एक शफीक बाप और रहम दिल शोहर थे। उन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से अंजाम दिया, लेकिन जो जिम्मेदारी उनके नजदीक सबसे ज्यादा अहम थी, वो थी इंसानियत की तालीम। असहाब सुफा कहलाने वाले अपने नौउम्र शागिर्दों का पैगम्बर खुदा बजात खुद ख्याल रखते थे, और उन शागिर्दों ने इस्लाम की रोशनी से पूरी दुनिया मुनव्वर करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए साहिब लियाकत और साहिब बसीरत लोग चाहिए। सिपाहियों को उनकी इस्तेदात के मुताबिक तरबियत देना होगी। अपनी सरदारी में अदल शामिल रखना, वरना तेज हवाएं तुम्हारे लगाए दरख्त को उखाड़ फेंकेंगी। अपनी जड़ों को जमीन में दूर तक फैलने दो, ताकि कोई भी आंधी उस शजर को नुकसान न पहुंचा सके। परवरदिगार मुझे मेरे मकसद और बसीरत में बरकत अता फरमाए, ताकि सरदारी का वकार कायम रख सकूं मैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बेटी। अंदर आ सकता हूं आचार भाई? आ जाओ अंदर। खैरियत तो है? अलियार साहब, वो सिपाहियों के साथ हमले के लिए जा रहे हैं। मुझे खबर क्यों नहीं की गई, कहां जा रहे हैं वो लोग? मुझे बस इतना ही मालूम हो सका है, निकिया से किले जाने वाले कारवान पे हमला करेंगे वो लोग। जल्दी जाओ और राल साहब तक ये खबर पहुंचाओ। जैसा आपका हुक्म। आओ नाकाम आशिक, आ जाओ। गुलाब के अतराफ में कांटे भी डाल दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा ना? गुलाब भी कांटों के बगैर होते हैं क्या? अगर हमने अभी जंग ना की तो कोई भी सिपाही लड़ने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। सबसे पहले किले में मौजूद गद्दार को तलाश करो। जंग के लिए वफादारी चाहिए। छुटकारा नहीं पाया अगर हमने गद्दारों से, तो मुस्तकबिल का कुछ नहीं कह सकते।